वुमेन एंड वी के पहुंचा फाउंडेशन जो कि प्रमोटर है कल्चर स्पोर्ट्स एंड थिएटर के, हर साल ये मौका देते हैं जब यहाँ पर अलग अलग जगहों से थिएटर एक्टिविटीज को लेकर ग्रुप्स आते हैं और अपना अपना नाटक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इस बार भी 7 नाटक प्रस्तुत किए गए और रिजल्ट तैयार हो चुका है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा वो रिजल्ट आप तक पहुंचे, थोड़ा सा इंतजार करें। इससे पहले हमारे एप्रिसिएशन अवार्ड्स हैं। एप्रिसिएशन अवार्ड्स उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने जीवन भर में जो अचीवमेंट किए हैं उनका जायजा लेते हुए उसके मद्देनजर उनको यहाँ पर और इनके सम्मान में संदीप जी अवार्ड देंगे। और आप जब तक इन्हें अवार्ड दिया जाता रहेगा आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां। एक कलाकार को हम लोग क्या दे सकते हैं, उसके जीवन भर के कंट्रीब्यूशन के लिए उसको एप्रिसिएशन जो मिल रहा है कोमल एंड जी के पहुजा फाउंडेशन के सौजन्य से, और हम क्या दे सकते हैं, तालियां एप्रिसिएशन, ताकि उसका मनोबल बढ़े, उसका उत्साह बढ़े और आगे भी वो और अच्छी अच्छी चीजें हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू रिसीव दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड फ्रॉम कोमल एंड VK Pahuja Foundation. I would like to express my sincere thanks to Meenakshi and Supriya also for giving this award to me. Acting was always a passion with me, and it's all started nearly about 68 years back when I started my career as a child artist with All India Radio. Thereafter, I learned the basics of theatre acting from an alma mater, Modern School, and after theatre came television and then films. But I can honestly say, even today, it is acting on stage which gives me the maximum satisfaction, because the basic fundamental is that there is a direct connect with the audience and you get the appreciation for your acting skills through the audience directly. Thank you so much. Thank you very much, Pradeep ji. Aap jaise kalakar हमारे नए आने वाले लोगों के लिए और जो नौजवान इसमें शामिल हैं उनके लिए एक संबल है और इबरत हासिल करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच स्टोरी टेलिंग की, और उस 200 कहानियों में से 150 कहानियां उनके लिए हुई हैं, वो है वंदना हरिमर्दन। आइए वंदना जी, आपका स्वागत है। ये वंदना जी वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है और एनसीईआरटी में सीआईटी विंग को इस वक्त हेड कर रही है। शी इज हेडिंग द डिपार्टमेंट। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैंने कहा कलाकार को तालियां मिलनी चाहिए फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एप्रिसिएशन अवार्ड। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब आपको कुछ कहना जरूर पड़ेगा, लोग आपकी आवाज तो सुने। आइए नीरज जी के आगे कोई क्या कह सकता है। जब ये आए थे तो मैं तो नई थी, इनको एक्टिंग करते हुए देखती थी, तो मैं मतलब इतना सीखती थी कि कैसे क्रिएट कर रहे हैं। वहीं पे खड़े हैं माइक पे, तो कभी लग रहा है कि वो पार्क में है, कभी लग रहा है रोड पर है, कभी राजा है, कभी एक बूढ़ा बने हुए। तो एक इतना इंस्पिरेशन मेरे को मिला और इनके साथ करते करते हम आगे बढ़ते चले गए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे ज्यादातर प्रोग्राम जो नेशनल अवार्ड है उसमें नीरज जी हमेशा रहे हैं उसके उन कार्यक्रम में, तो हमारा तो लंबा एसोसिएशन है। और जब भी ऐसे मिलता है जैसे आज ही मिला है, एक बच्चे की तरह से खुशी होती है। अभी भी लगता है कि कुछ नया मिला है और कुछ करें और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू कोमल, मीनाक्षी जी, बहुत बहुत हाँ, थैंक यू सो मच। ये फाउंडेशन इतना कर रही थिएटर के लिए, तो मतलब रिक्वायरमेंट है आज की, क्योंकि थिएटर को लोग थोड़ा दिल्ली में खासतौर से ऐसा लगता है भी कम है। जैसे जब एक बार मैं भोपाल गई थी वहाँ पर थिएटर चल रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो ये कल्चर मतलब जैसे आप एक काम कर रहे हैं ये इतना एस्टेब्लिश हो जाए, जैसे कि दिल्ली हार्ट में चल रहा है आपका या इस तरह से हो, तो जो यहाँ की दिल्ली की भी जो एकदम थोड़ी आर्टिफिशियल लाइफ में चल रही है, तो वो थिएटर वो ड्रामा ये आगे एनकरेज हो, आप जैसे लोग इसमें आगे बढ़े हुए, तो बहुत खुशी होती है कि आपके साथ काम आगे भी करेंगे हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच वंदना जी, थैंक्स अ लॉट। और जो आज का तीसरा एप्रिसिएशन अवार्ड है वो विक्रम शर्मा जी
को दिया जाना है। सेलिब्रेटेड राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, 30 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू और कश्मीर से, लेकिन इस वक्त वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। और ये अवार्ड शायद काजल जी को, काजल सूरी को लेना था, लेकिन वो भी शायद यहाँ नजर नहीं आ रही है। ये अवार्ड उन तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में एक बार जोरदार तालियां कलाकार की जरूर बजनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और अब रिजल्ट तैयार है, मैं अपने ज्यूरी मेंबर्स से निवेदन करूंगा वो आए। मानव जी कृपया आइए, और मोहंती साहब, सागर जी, पंचाल जी, आप सब लोग आए और आकर रिजल्ट के बारे में जरूर बताएं यहां पर, जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम इस पूरी ज्यूरी को, जिन्होंने सुबह से लेकर आज यहां पर बैठे हैं और अपने रिजल्ट तैयार किए हैं, ये इनको ऑनर किया जाएगा। संदीप जी ऑनर करेंगे, डॉक्टर मोहंती बहुत बड़े सर्जन है ये और एक्टर है बहुत बड़े। तालियां साहब, तालियां जरूर बजनी चाहिए। सुरेंद्र सागर ये गांधी जी है, विनोद पांचाल जी है, मानव मेहरा जी है। संदीप जी के हाथों आप सबको ऑनर किया जाएगा। डॉक्टर मोहंती, राखी चौहान जी, राखी चौहान जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। मानव जी, मानव जी आइए। सुरेंद्र सागर आइए, सागर साहब। और अब विनोद पांचाल जी आइए, विनोद जी, विनोद पांचाल जोरदार तालियां सबके लिए। दोस्तों अब वो घड़ी आ गई कि जब सुबह से जिसका इंतजार है, 7 टीम इंतजार कर रही है, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो ज्यूरी अपना फैसला सुनाए कि किस किस को क्या क्या अवार्ड मिला। अवार्ड बहुत सारे हैं, तो मैं ज्यूरी मेंबर्स में इनवाइट करूंगा मानव जी को। मानव जी आए और कृपया अपने फैसले सबमिट करें। थैंक यू सर। सुबह से 3 बार आया हूं तो लाइनें तो बोली है मैंने, तो अभी भी लाइन बोलूं या शुरू हो जाऊं? हाँ, ये दिल की आवाज आई है, ये दिल की आवाज आई है। चलो 2 लाइनें में बोली दे, ठीक है? अच्छा, ये कॉमन सी लाइन, ये प्रेमी प्रेमिकाओं और जो भी कुछ चाहता है उसके ऊपर जाती है। तो किसी महान इंसान ने कहा है कि भाई लोग, जिसको तुम चाहो उससे कुछ मत चाहो। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करते हैं, समय की पाबंदियां हैं। संदीप सर कितनी देर तक खड़े रहेंगे, हम तो बोलते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्पेशल अवार्ड्स से, जो आज सुबह सौरभ जी ने और नीरू जी ने इंट्रोड्यूस किए थे। तो सबसे पहले स्पेशल अवार्ड एक खास टीम को जा रहा है, ओवरऑल टीम को, जो हम लगातार उनको देख रहे हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं। और वो स्पेशल अवार्ड, जो फर्स्ट स्पेशल अवार्ड है, वो भारत भूषण सर जी, MLA मैं साउथ दिल्ली के हैं, उन्होंने दिया है। आ,
स्पेशल अवार्ड दूसरा जो आज शाम को हमें पता चला, ये जा रहा है एक अभिनेता को जिसका काम हमको पसंद आया। जो मिसेस भारद्वाज ने स्पॉन्सर किया है 5000 का कैश अवार्ड इसमें है, और वो जा रहा है जिसने कर्ण का किरदार निभाया था, मनीष। चलिए अब आ जाते हैं मेन कैटेगरी अवार्ड जो मतलब पहले से था। तो पहले जैसे हम सब जगह देखते हैं कि ज्यूरी अवार्ड जाता है, तो ऐसे ही इसमें भी एक ज्यूरी अवार्ड है जो एक अभिनेत्री को जा रहा है, और वो है आस्था गुप्ता चित्रा। और ये अवार्ड स्पॉन्सर किया था नूतन शर्मा मैम ने। आप तो ब्रह्मचर्य छोड़ने को तैयार हो गए थे, छोड़ दिया। कांग्रेचुलेशंस। बेस्ट एक्टर फीमेल कोई बताएगा मुझे? कोई नहीं बता रहा। चलो ठीक है, इधर से ना मुझे एक आवाज आएगी, थैंक यू। हील फीमेल हो चुका है, तो बेस्ट एक्टर मेल सैया जी। सैया जी कहाँ है? बहुत बहुत बधाई आपको, रस है वैसे ही है डॉक्टर साहब से। तो चलिए बढ़ते हैं, अब आता है बेस्ट प्रोडक्शन थ्री। तीन अवार्ड्स हैं इसमें, थोड़ा सस्पेंस में डायरेक्टर तो मिलेगा, डायरेक्टर थोड़ा सस्पेंस। डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर अभी अनाउंस करूंगा, ये इतना जल्दी थोड़ी ना होता है मैम। और संदीप सर थोड़ा खड़े रह सकते हैं, कोई बात नहीं। बेस्ट प्रोडक्शन थर्ड, अर्जुन आप आ जाओ। चित्रा रूबरू थिएटर। अच्छा अब बताओ, बेस्ट प्रोडक्शन के दो बचे हैं और बेस्ट डायरेक्टर बचा है, पहले क्या सुनना चाहते हैं? डायरेक्टर सर, डायरेक्टर बता दें, बेस्ट डायरेक्टर। चलिए तो
सर कह रहे हैं कि वैसे भी दिल के मरीज हैं और मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा तो सर के पास ही जाऊंगा, तो इसलिए सर की बात माननी पड़ेगी। वैसे सर मैं बूढ़ा होऊंगा नहीं। बेस्ट प्रोडक्शन सेकंड सैयारी, चला रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास बेस्ट प्रोडक्शन फन और बेस्ट तो अच्छी से खिंच जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट डायरेक्टर गोज टू संजीव सर, बेस्ट डायरेक्टर गोज टू वरुण शर्मा, गोज टू। अच्छा मैंने कैप्टन को पहले बुला लिया तो टीम भी आ जाओ, और सब चले गए। तालियां नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और पूरी मेहनत की, उन सब के लिए भी जोरदार ताली मिली। दोस्तों ये एक लगातार चलने वाला सिलसिला है और हर साल ये फंक्शन होता है। मीनाक्षी जी कुछ कहिए आप सब मुझसे। संदीप जी हमारे एंकर्स हैं, सॉरी आई नो यू हैव टू गो, प्लीज 5 मिनट्स सॉरी। हमारे एंकर्स जिन्होंने पूरा दिन हमें दिया और इतना एंटरटेन किया, आई एम श्योर यू ऑल वुड लाइक टू ऑनर ऑल द 3 एंकर्स हु पुट इन देयर 100%। सो सबसे पहले नीरज शर्मा जी, नीरज जी अ स्मॉल टोकन ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड टू यू। Now, the two beautiful couples I would really like to honor, Sandeep and Lalita, हमारे anchors, Sandeep और Lalita, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका मन जीत के जा रहे हैं आप दोनों। इंसान ऐसा है जिसने हम सबको टाइम पे चलाने की पूरी कोशिश करी और बड़ी खामोशी से घंटी लेके बैठे हैं, ऋषि प्लीज कम ऑन स्टेज। सभी ने आज सभी के लिए कुछ शेर व शायरी और कुछ पंक्तियां सभी को समर्पित की। 2 पंक्तियों से संदीप जी को साधुवाद करती हूँ कि इस अंदाज का अंदाजा न लगा पाओगे, इस अंदाज का अंदाजा न लगा पाओगे, और जब भी मिलोगे मिलकर निखर जाओगे। जब भी मिलोगे ना, आई एम श्योर यू वुड ऑल विल जॉइन अस इन ऑनरिंग आवर वेरी ओन संदीप मारवा जी, हु हैज कम ऑल द वे टू अप्रिशिएट एंड सेलिब्रेट ईच एंड एवरी आर्टिस्ट ओवर हियर। So let's all put together our hands for our very own Sandeep Marwa ji.
सर हमारे साथ जो लोग पर्दे के पीछे सपोर्ट करते हैं, हमारे बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं। सबसे पहले हमारे शुक्ला जी, एक छोटा सा तोहफा। सुरेंद्र जी आइए, सुरेंद्र जी। हमारे फोटोग्राफर दत्ता जी, दत्ता जी जल्दी आइए, संदीप जी जाने वाले हैं। फिर रूप सिंह जी, विकास जी और आप जो कवर कर रहे हैं, प्लीज आ जाइए। जल्दी आ जाइए, विकास जी जल्दी आ जाइए प्लीज, आप ही की लिखी हो रही है दोनों की। So one last, Colonel Atul Chaudhary ji, my father's first batch student from one school. Loyalty at his best. With this we come to the end and we'll meet next year. Sandeep ji, bahut bahut dhanyawad. Sanya Beiman. Sanya Beiman. Shut up. Shut up. हमारे साथ बीके बिंदु जी हैं जो कि सैया बेईमान में जो मुख्य किरदार में थे, और इनको यहाँ पर आज कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा जो 7 नाटकों का मंचन हुआ उसमें से जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है उसके लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को। अभी मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो शायद मैं अपने से ज़्यादा मेरे को एक्टर जिसने इस पूरे प्ले को मेरे को अगर उभारा है तो वह है रेखा जौहरी। तो मैं, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा ये अवार्ड के हकदार वो हैं, और आप सभी हकदार हैं, और बाकी ऑडियंस का बहुत अच्छा प्यार था, और हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर ने वो पिरोया जो शायद उसी के वजह से आज ये हमें अवार्ड मिला है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए, बेस्ट प्रोडक्शन बहुत मतलब साथ, और बता दूं कि बेस्ट प्रोडक्शन नंबर टू उसका भी जो अवार्ड है सर की टीम को गया है, तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सारी पूरी टीम है, इनके एफर्ट्स हैं, इन्होंने इतने महीने मेहनत की है और हर तरह से सपोर्ट किया है, बैक स्टेज भी, ऑन स्टेज भी, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे एक भाई बहन की जोड़ी से, यज्ञ निकेत और प्रिया जी से, जो प्रिया जो है इस नाटक में भी अभिनय कर रही थी, और दोनों उभरते हुए कलाकार हैं, और साची बात की ओर से हम यही शुभकामनाएं देंगे कि और आगे ऊंचाइयों को छुएं, अभिनय की दुनिया में नाम रोशन करें अपना और अपने परिवार का, अपनी टीम का। बहुत तो सर बताएं आज के इस अवसर पर आपकी टीम को बेस्ट प्रोडक्शन 2 का अवार्ड और आपकी टीम से बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको मिला है। सर इस सबका श्रेय जाएगा हमारे डायरेक्टर सर को, उन्होंने हमें मौका दिया, पूरी टीम को तैयार किया। जैसे माँ हर बच्चे को पालती है वैसे डायरेक्टर प्ले को पालता है, मतलब उनको उनको बताना कि आप कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं करना, सब कैसे और अच्छा निखर सकता है, तो सब डायरेक्टर सर की मेहरबानी। एक्टर जो भी अच्छा करता है या सपोर्टिंग एक्टर अच्छा करता है तो सिर्फ डायरेक्टर की देन होती है और किसी की देन नहीं होती है। हाँ मतलब होती है, सब इकट्ठे होते हैं, बराबर होते हैं, मगर ज़्यादातर डायरेक्टर सर। तो हम बहुत आभारी हैं कि सर के डायरेक्शन में हमें मौका मिला काम करने का। पहली बात तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ संजीव सर का, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी डायरेक्शन के अंडर हमने आके इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ एक्ट किया है, और सेकेंडली पूरी टीम को जिसने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, सो थैंक यू सो मच पूरी टीम को और स्पेशली हमारे डायरेक्टर को, सैया बेईमान की टीम से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं रेखा पाटनी जी, जो कि हीर के किरदार में थी और उन्हें आज यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है, तो बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाकर? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे बिना टीम के सपोर्ट के और बिना मैम के डायरेक्शन के तो नहीं हो पाता, ऑब्वियसली बात है, और टीम मेरी बहुत
लिटरली बहुत अमेजिंग टीम है. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. आ जाओ गाइज, आ जाओ ना एक बार. आपने लक्ष्मी रावत मैम का और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, थैंक यू. होप सो मैं करूँ ऐसा. उम्मीद है मेरी तो. या टीम हमारी कम ना कम कम प्लीज. आ जाओ विदांत, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ. कम 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 कम. हर बाप को ऐसी बेटी मिले. आगे हो जी. तो हाँ ये मेरी टीम है. तो इनके सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाता, ऑब्वियस सी बात है. और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि सोचा नहीं था, वैसे अनएक्सपेक्टेड था कि क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने परफॉर्म किया होगा और आई नो बहुत अच्छा किया होगा. बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी टीम का, पूरी टीम का, थैंक यू. तो हमारे साथ मिस्टर वरुण शर्मा हैं जो कि औरंगजेब की आखिरी रात के डायरेक्टर हैं. और सबसे बड़ी खुशी की बात आज है कि सर को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट प्रोडक्शन वन का जो खिताब मिला है. बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत शुक्रिया. बताएं सर अपना आज का अनुभव कैसा रहा. पहली बात तो जो भाव है इस फेस्टिवल का, वीके पहुजा एंड कोमल थिएटर फेस्टिवल, कोई अपने माता पिता की याद में इस नाटक इस फेस्टिवल को कर रहा है और वहाँ पर थिएटर को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि सात ग्रुप आते हैं और बहुत खूबसूरती से सभी को एक समय दिया जाता है और वहाँ पर एक कंपटीशन होता है उसके बाद और निष्पक्ष रूप से उसकी जजमेंट दी जाती है. और मुझे और मेरी टीम को बेस्ट प्रोडक्शन और मुझे बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा जाता है. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. काफ़ी लंबे प्रयास के बाद, रिहर्सल्स के बाद हम एक नाटक तक पहुँचते हैं, एक नाटक को तैयार करते हैं और जब नाटक को मंच मिलता है, दर्शक मिलते हैं तो नाटक सफल हो जाता है. एक कॉम्पिटिशन में जब अवार्ड मिल जाते हैं एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रहती है आगे भी निरंतर अच्छा काम करने की. जो चैलेंजेस सामने आते हैं तो लगता है शायद वो चैलेंजेस मिठाई की तरह थे, तो आगे भी वो मिठाई खाने का मन करता है कि चलिए मिठाई चखेंगे तो आगे फल बहुत खूबसूरत मिलेगा. तो आज वही फल मिला है मुझे और मैं बहुत खुश हूँ. साँची बात की ओर से भी यही शुभकामनाएं कि इसी तरह के मीठे मीठे पल बढ़िया बढ़िया आपको मिलते रहें. थैंक यू सो मच. और आप अभिनय की दुनिया में इसी तरह काम करते रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमारे साथ डॉक्टर मोहंती हैं जो कि अभिनय की दुनिया से हैं, थिएटर की दुनिया से हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं. साथ में हैं मानव मेहरा जी हैं और उनकी मिसेज राखी जी हैं और जो कि बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर हैं. इनके भी प्लेस थिएटर फेस्टिवल में आते रहते हैं, उसके अलावा हिंदुस्तान भर में चलते हैं. तो बड़े सौभाग्य की बात है साची बात के लिए समय दे रहे हैं हमारे को. और साथ ही बता दूं कि जो आज जो सात नाटकों का जो मंचन यहाँ पर हुआ उसमें ज्यूरी मेंबर थे, तो सर कितना मुश्किल रहा ये सात नाटकों में से तय करना कि बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बताएं सर. बींग ए ज्यूरी मेंबर ये हमेशा बहुत ही मुश्किल रहता है ये डिसाइड करना कि कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो नाटक यहाँ हुए हैं या कहीं पे भी होता है फॉर दैट मैटर, ऐसा नहीं कि वो सात नाटक हुए हैं, ये कई 50-60-100 नाटक आते हैं आपके पास, उसमें से चुन के ये आते हैं. तो ऑलमोस्ट ये जो जैसे हम बोलते हैं ना नेक टू नेक उस टाइप का, चाहे वो एक्टिंग हो डायरेक्शन हो, ऐसा रहता है कि डिसाइड करना बहुत मुश्किल है. हमारे पर जो सर पे जो बोझ रहता है वो सबसे बड़ी बात ये है कि वी वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट द आर्ट, बिकॉज अ सिंगल डिसीजन कैन मेक द फ्यूचर ऑफ ए यू नो एनी एक्टर और डायरेक्टर एनी बॉडी हु इज इन्वॉल्व इन थिएटर. सो बहुत मुश्किल है बट हम लोग कंबाइंड डिसीजन लेते हैं डिफरेंट व्यूज के साथ और फाइनली ऑनेस्टी के साथ आते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू जी सर. सर ने बता ही दिया कि सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब इतने सारे गुणी जन सीनियर लोग, सर हो गए, सुरेंद्र सर हो गए, पांचाल जी हो गए, जब सब साथ में, राखी जी हो गई, जब हम साथ में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ निकलता ही है, तो करना ही पड़ता है. आपका व्यूज़? मेरा तो यही है कि जब सबके डिसीजन एक दिशा में जाने लगते हैं ना, तब अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है. और वही बिल्कुल, क्योंकि फाइव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, एक्चुअली फाइव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रहता है. हाँ, कहीं ना कहीं कि मिलता है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है, तो अल्टीमेटली वी गो फॉर द कंसेंसस. थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय साची बात को दिया, थैंक यू सो मच. और आइए अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा से और प्रोफेसर मीनाक्षी पाहुजा से, जो एक ऐसी फैमिली है जो अपने माता पिता की याद में हर साल
थिएटर को, कल्चर को और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए लगातार जो है 9 साल आज उनको हो गए हैं। आज 9th थिएटर फेस्टिवल था, थिएटर फेस्टिवल किया गया, उसके अलावा और भी कई गतिविधियों में वो साथ रहती हैं। तो बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बात की जो सांची बात पोर्टल आप देख रहे हैं, न्यूज चैनल, ये मैडम मीनाक्षी पहुजा का ही ये चैनल है, तो आप हमें इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आज का इतना बड़ा सफल आयोजन, इतने दुनिया भर के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ। और कैसा लग रहा है, कैसी तैयारियां हुई आपकी, बताएं। हमें बहुत खुशी है इस फैमिली के, जो हमारे पिताजी ने शुरू किया था हमारी माँ के जाने के बाद, आज एक नेशनल लेवल का ये थिएटर फेस्टिवल बन चुका है और पूरे साल लोग इसके इंतज़ार में रहते हैं कि ये फेस्टिवल कब होगा। तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि नई प्रतिभाओं को हम प्रोत्साहन दे पा रहे हैं, आगे बढ़ावा दे जा रहे हैं। सुप्रिया, कुछ कहना चाहते हैं? बस यही भगवान से प्रार्थना है कि हम इसे और बेटर कर सकें और लोगों को स्टेज दे सके, यही मेरे पापा का सपना था बस। कितनी बड़ी बात है कि लोग आज के समय में अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं और उसके बाद इन्होंने एक मतलब महिला होते हुए भी इस बात को जिंदा रखा है, अपने माता पिता की याद को जिंदा रखा है और लगातार उस सपने को आगे करते रहना चाहते हैं कि अपने माता पिता की याद में वो कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहें। तो आपको कैसा लगा आज का ये हमारा थिएटर फेस्टिवल, ज़रूर अपनी राय दें, अपने विचार हमसे साझा करें। धन्यवाद।